हेलो दोस्तों दोस्तों आपको तो पता ही है कि बिजनेस को चलाना कोई आसान बात तो है नहीं। एक एक पैसा हमें सोच समझ कर लगाना पड़ता है और हर एक बिजनेसमैन की यही इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो हम ऐसे में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक्सपेंसेस को अकाउंट कैसे करना है और इससे हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों एक्सपेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनमें फ़र्क क्या है? दोस्तों सीधी सीधी बात ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो आपकी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। मान लो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो और आपने शर्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसके लिए आपने कॉटन मंगवाई, तो कॉटन रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन से रिलेट करती है। अब उस रॉ मटेरियल को आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप लेबर लगाओगे जो आपकी कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करेगी और थ्रेड को शर्ट्स में। तो इस लेबर को आप डायरेक्टली वेजेस भी पे करोगे, तो ये भी एक डायरेक्ट खर्चा हो गया। अब मान लो वो शर्ट्स को फैक्ट्री से आपको गोडाउन में लाना है, तो इस सब के ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट के चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो चलिए अब हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या आता है। तो हमने अकाउंट बनाया डायरेक्ट लेबर, इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही डालेंगे। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो दोस्तों इसका इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ये देखिए इससे क्या हुआ कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 101,000 रुपये और हमारी सेल्स तो 2,00,000 रुपये की ही रहेंगी, तो जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा मोटा मोटा प्रॉफिट भी कम हो गया। तो इस तरह हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चीज़ हैं। दोस्तों जो डेली ऑपरेशन के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब बिजनेस को चलाने का खर्चा। जैसे आपको मान लो बिल्डिंग का रेंट रेगुलरली पे करना होता है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, मतलब वो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेट तो करता नहीं है, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करता बट हमारे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मान लो आपको 10 कस्टमर्स एक दिन में आते हैं और वो चाय पानी पीते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, तो वो चाय पानी के एक्सपेंसेस भी ज़रूरी हैं बिजनेस के लिए, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएंगे। अब ऐसे ही अगर आपको कोई इंटरेस्ट पे करना है किसी लोन पे, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और मान लो अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है, आपने सेल्समैन हायर किए हुए हैं और या फिर आप किसी और तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, तो उसका खर्चा भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। तो चलिए इसका अफेक्ट देखते हैं कि क्या आएगा। रेंट, और इसे हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। ये हमारी एंट्री सेव हो गई। दोस्तों इसका अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। और ये देखिए ये आपके सामने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो एडिशनल खर्चे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो सब ऐड होते जाते हैं। अब यहाँ पे हमने रेंट ऐड किया जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और भी कम हो गया और ये हमारा नेट प्रॉफिट बनकर आ गया है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो इससे आपकी अकाउंटिंग, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है जनाब। जैसे कि आपको ये एनालाइज करने में दिक्कत नहीं होती कि आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, आपको इस बात का अंदाज़ा रहता है और इस हिसाब से आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हो। और आपको टैक्स नेट प्रॉफिट पे देना होता है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट से। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको कोई भी और डाउट हो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कभी भी कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए
खुश रहो, तरक्की करो।